In this video, we will solve self-practice 8C. Okay. 8C जो है इसमें भी हमारे परसेंटेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इनमें हमको क्या करना है, व्हाट परसेंटेज इज, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज इज 7 of 70, ठीक है। अब हमको इनका परसेंटेज निकालना है। अभी तक हम क्या करते थे, हमको परसेंटेज दिया रहता था, हम नंबर्स ऑफ क्वांटिटी निकालते थे, तो परसेंट का साइन हटा के अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टी अपॉन में 100 कर रहे थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हमको परसेंटेज में आंसर देना है, ठीक है। तो इधर पे अब ऑफ का साइन हटा के हमको डिवाइड लगाना है, ठीक है, 7 upon 70, और परसेंटेज निकालने के लिए हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंटेज का सिंबल भी बनाना पड़ेगा साइड में, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का सिंबल भी करना है। तो याद रखना इन क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ऑफ का साइन हटा के डिवाइड लगाना है और 100 का मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का सिंबल बनाना है, ठीक है। तो 7 upon 70 into 100 परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 7, ठीक है, 7 upon 7 into 10 हुआ, 7 × 7 7 × 7 1 × 10 10 परसेंटेज का साइन बना हुआ है, तो परसेंटेज का साइन, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। ऐसे ही सब रहे क्वेश्चनों में एज इट इज। 8 upon 8 of 20 ऑफ का साइन हटा के अपॉन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे क्या करना है, ऑफ का साइन हटा के क्या लगाना है, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड का साइन लगाना है ना, वहाँ में मल्टीप्लाई रहता था, और मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किसका करना है, 100% का क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये अप्लाई करना है इसमें। तो सी वाले में भी देखो 19 upon 25, तो 19 upon 25 into 100 और बाहर ब्रैकेट के परसेंटेज, तो इनमें देखो 25 और 100 दोनों 5 से जा रहे हैं, 5 5 जा 25 और यहाँ पे 5 2 जा 10, 0 का 0, ये अगेन 5 से जा रहे हैं, 5 5 जा 5, 5 4 जा 20, 19 into 4 किया तो 76%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी भी ऐसे ही सेम, दोनों को डिवाइड में किया, इंटू 100 किया, 00 से 00 कैंसिल हुआ, 117 upon 6 किया, 6 को जब 117 से डिवाइड किया तो आंसर इज 18%। ई वाला आपका होमवर्क है। एफ वाला देखो 850 upon 3400 into 100, 100 से 100 कैंसिल, 850 upon 34 और परसेंटेज का साइन, जब इनको कैंसिल किया तो आंसर आएगा 2500, ठीक है, 2 से कैंसिल किया है दोनों को पहले, ठीक है, फिर 17 से डायरेक्ट डिवाइड किया तो आ गया 25। जी एंड एच वाले आपके होमवर्क यही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू जो है उसमें भी हमको यही करना है, व्हाट परसेंटेजेस, ठीक है, परसेंट निकालना है, लेकिन पहले वही चीज क्वांटिटी देखनी है कि क्या दोनों क्वांटिटीज जो हमको क्वेश्चन में दी गए हैं वो सेम हैं, ठीक है। तो देखो एक हमारा 40 पैसे में है, पैसे में, और सेकेंड वाली क्वांटिटी रुपीस में है, 8 रुपीस, ठीक है। तो या तो आपको दोनों को पैसों पैसों में कन्वर्ट कर लो, या तो दोनों को रुपये रुपये में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। तो 8 रुपीज़ निकालने के लिए 8 into क्या करेंगे, 100, तो 8 into 100 is equal to 800 पैसा, ठीक है। तो ये जो 8 रुपीज़ है वो 800 पैसे में कन्वर्टेड हो गया, और 40 पैसा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और इसको हमने चेंज किया 800 पैसा। किसी भी एक क्वांटिटी को चेंज करना है, दोनों को नहीं, ठीक है। तो ये पैसे में था, हमने इसको एज इट इज़ रखा, हमने इस वाले को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब दोनों पैसों पैसों में हो गई, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज की सेम मेथड है, ऑफ का साइन हटा के इनमें क्या लगाना है, डिवाइड का, और मल्टीप्लाई 100% करना है, 00 से 00 कैंसिल, 40 upon 8 परसेंटेज का सिंपल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो आंसर इज 5%, ओके। बी वाले में देखो दोनों रुपए में है, मतलब इसमें अब हमको कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट हम परसेंट निकालेंगे, तो दोनों को डिवाइड में 5.10 upon 6 और इंटू 100%, पॉइंट हटाया तो नीचे कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो नीचे किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का, तो 6 में जब 10 का मल्टी मतलब 00 का मल्टीप्लाई, तो 6 में 100 हो जाएगा, 600, ठीक है। फिर एक 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 मत कैंसिल करना आप, ठीक है,
ये वाला करना है, ये एज इट इज़ लिख रहने देना अभी, ठीक है 60 है ये, ठीक है। तो 510 नहीं, अब 51 बचेगा और अपॉन में 60 इंटू 10 100, ठीक है। इनको कैंसिल किया जब हमने तो आ गया 8500। ईसी वाला देखो 400 मिलीलीटर ऑफ 1 लीटर, तो इसमें भी सेम 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब मिलीलीटर ये 400 एज इट इज़, इसको हमने चेंज कर लिया 1000 मिलीलीटर। अब दोनों का परसेंटेज निकालेंगे तो 400 अपॉन 1000 इंटू 100%, 00 से 00 कैंसिल और 10 यहाँ का कैंसिल, तो बचा 40, तो आंसर इज 40%, ठीक है। फिर डी वाले में देखो 8.24 सेंटीमीटर ऑफ 8 मीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर में हम जानते हैं कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर को चेंज करेंगे तो 8 × 100 दैट मीन्स 800 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8.24 सेंटीमीटर ऑफ 800 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो दोनों के ऑफ का साइन हटा के अपॉन में 800 और इंटू 100%, पॉइंट लगाया पॉइंट हटाया तो 100 का मल्टीप्लाई नीचे होगा, फिर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 824 अपॉन 800, दोनों को कैंसिल किया तो आंसर इज, दो दो से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा लास्ट में 1.03%, ठीक है। ई वाले में देखो 6 सेकेंड टू 10 मिनट्स, 1 सेकेंड में है दूसरा 10 मिनट्स में है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 10 मिनट इज इक्वल टू 10 × 60 600 सेकेंड्स, ठीक है। अब 60 सेकेंड एक ऑलरेडी है, दूसरा हमने 600 सेकेंड कर लिया, दोनों सेकेंड सेकेंड में हो गए। अब परसेंटेज निकाल लेंगे जैसे निकालते हैं, ऐसे जी वाले में 1 किलोग्राम में है दूसरा टोन में है, तो हमने 1 टोन में 1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1.5 टोन इज इक्वल टू 1.5 × 1000, तो 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो 900 kg और 1500 kg, इनका परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में किया दोनों को और मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का सिंबल, 00 से 00 कैंसिल, 9/15 बचा और मल्टीप्लाई 100, 9 और 15 को 3 से कैंसिल किया, 3 × 3 = 9, यहाँ पे 3 × 5 = 15, ठीक है। फिर 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0 × 0 20 × 3 = 60%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 इज 18 कैरेट गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड अनदर मेटल, ठीक है। 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का मिक्सचर और एक अनदर मेटल, कोई दूसरी मेटल है, उन दोनों का मिक्सचर रहता है 18 कैरेट गोल्ड में, ठीक है। तो 18 out of 24 पार्ट्स आर प्योर गोल्ड, तो 18 में से यदि 24 पार्ट्स जो हैं वो प्योर गोल्ड के हैं, तो एक्सप्रेस द प्योर गोल्ड एज अ परसेंट टू द टोटल, तो हमको टोटल में प्योर गोल्ड का परसेंटेज निकालना है। तो 18 में कितने का है, 24 का ना, 18 out of 24, तो ऑफ का साइन हटा के ये दोनों डिवाइड में 18/24 और इंटू 100 करते हैं मल्टीप्लाई, परसेंटेज 18 और 24 3 से जा रहे हैं, नहीं इनको मैंने किससे काटा, 6 से काटा, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 3/4 × 100, 4 और 100 को कैंसिल किया 25 आ गया, तो 3 × 25 = 75%, ओके। क्वेश्चन नंबर 4th, अ सीडी रोम हैज 700 MB ऑफ स्टोरेज स्पेस, व्हाट परसेंट ऑफ द स्पेस इज यूज्ड बाय अ फाइल दैट टेक्स अप 154 MB, ठीक है। तो कुछ नहीं, 154 का 700 MB है, तो 154 ऑफ 700, ठीक है। तो 154 ऑफ की जगह डिवाइड 700 × 100 करते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 154/7, 7 से 154 को कैंसिल किया तो 22 और परसेंट का साइन। क्वेश्चन नंबर 5th, एज पर 2011 सेंसिस द पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम इज 6,10,577 ऑफ विच 3,20,370 आर मेल्स, व्हाट आर द परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम आर फीमेल, ठीक है। उधर पे सिक्किम में 2011 में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6,10,577, उसमें से 3,23,070 जो है वो मेल है, आदमी है, तो हमको बताना है फीमेल कितनी होगी, उनका परसेंटेज बताओ। तो देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल निकालने के लिए हमको टोटल पॉपुलेशन में पहले मेल की पॉपुलेशन घटानी पड़ेगी, ठीक है, माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा फीमेल कितनी है। तो इनको माइनस किया, ठीक है, 28 आ गया, 2,87,507 इतनी क्या है फीमेल।
अब इनका परसेंटेज निकालना है, तो कितने टोटल में से, तो टोटल कितनी थी अपॉन में, है ना, ये लिखेंगे फीमेल ऑफ टोटल, ठीक है, तो अपॉन में टोटल इतना है और इनटू 100 करते हैं, जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 47.08%, ठीक है, और ये लगभग अप्रॉक्स किसके हैं, जब जीरो के बाद ना ये 8 बड़ा होता है, 5 से बड़ा, तो उसको 1 ले लिया जाता है, तो अप्रॉक्स कितना कितना है ये 47.1% वहाँ पर फीमेल का परसेंटेज है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस 8C कम्प्लीट है, और आप अपनी कॉपी में बिल्कुल इनको नीट एंड क्लीन राइटिंग में करोगे, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। थैंक यू।